बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर मेंगर गुज़श्ता 4 साल से दुबई में मुकीम थे। इस दौरान वो 7 माह कबल सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वतन आए थे। अरबाब गुलाम रहीम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के बाद वो तीसरे सियासी रहनुमा हैं जो आम इंतखाबात का ऐलान होने पर वतन वापस आए हैं। कारकुनान उनकी वापसी पर इंतहाई पुरजोश थे। अख्तर मेंगल का कहना था कि सेंट्रल कमेटी के इजलास में इंतखाबात के हवाले से फैसले करेंगे। इस वक्त कबल अज वक्त है क्योंकि हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास कल हो रहा है, उसके बाद तमाम इत्तेहाद इलेक्शन कैंडिडेट्स तमाम फैसले बाद में करेंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के आवाम से नाइंसाफियों का शिकवा करते हुए कहा कि सूबे के आवाम को उनके हकूक नहीं दिए गए। परवेज मुशर्रफ के हवाले से पूछे गए सवाल पर अनजान बनते हुए उन्होंने खुद साफियों से पूछा, ये साहब कौन है? ये नाम सुना, नाम जाना पहचाना लगता है, कौन है ये? सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि वो किसी के बुलाने पर वापस नहीं आए बल्कि उन्होंने 1 माह पहले वापसी का फैसला कर लिया था। साफियों से बातचीत के बाद वो पार्टी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए। सरदार अख्तर मेंगल की वापसी पर कारकुनान का जोश खरोश इस बात को जाहिर करता है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। कैमरामैन इमरान शेख के साथ शाहिद गजाली, दुनिया न्यूज़, कराची।